Do you know main tenu kinna pyar karda? Do you know main tere utte kinna marda? Do you know? Diljit, sabse pehle to bahut bahut badhai. Trailer behtareen lag raha hai aur response bhi acha mil raha hai. Haan, theek hai. तो कॉल्स वगैरह आने शुरू हो गए, मैसेजेस, बधाइयां? नहीं, मेरा नंबर नहीं है किसी के पास, कॉल्स तो नहीं आते मुझे. फ्रेंड्स, रिलेटिव्स? रिलेटिव्स के पास तो बिल्कुल नहीं. अच्छा, ओके. सिर्फ मम्मी के पास है. तो मम्मी ने भी देखा नहीं होगा, घर जाके दिखाऊंगा. तो बाकी ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे वो सब अच्छे कमेंट्स हैं. गुड. अच्छा, सूरमा एक बायोपिक है और आपके कंधों पर एक तरह से जिम्मेदारी है किसी की रियल लाइफ स्टोरी को बड़े स्क्रीन तक पहुंचाने की. हाउ डिफिकल्ट इट वाज? नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट. वो था संदीपा जी रोज सेट पे थे और शाहद अली सर ने इतनी मेहनत की और सोनी पिक्चर्स ने इतना पैसा लगाया, तो मेरे पे तो बोझ रह नहीं गया कोई. मैं तो सिर्फ एक्टिंग करनी थी, वो मैंने कर दी. बट एज एन एक्टर दिलजीत, जब आप कोई कैरेक्टर स्क्रीन पर प्ले करते हैं और वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो रियल लाइफ में है, जिसने हार्डशिप्स देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, 2 साल का वो स्ट्रगल, एंड एज अ प्लेयर वो कैसे क्या कमबैक किया है, आपने एज एन एक्टर आपने अपनी तरफ से क्या मेहनत और काम किया है इस पर? देखो, बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहूँ तो काफ़ी कुछ है बोलने को लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा वो काम है तो फिर शायद बोलने को कुछ रह नहीं जाता कि मैं, वो तो मेरी जॉब है. संदीप पाजी की जो जर्नी रही है, जो उनकी लाइफ जितनी टफ रही है, तो मैंने तो 5% भी नहीं, कुछ भी नहीं, नकली की है उसकी. रियल जर्नी जिस बंदे की होती है वो अपने आप में हीरो होता है एक्चुअली. और जितने भी बाकी बायोपिक हम आर्टिस्ट करते हैं वो तो उस बंदे की नकली करनी होती है मुझे लगता है. तो हाँ, अगर आप कहो कि मेहनत तो बेसिक्स हो गया, अब वो तो करनी ही पड़ेगी. अब उसके बारे में मैं क्या बताऊं कि हम इतनी मेहनत करते थे सेट पे और फील्ड पे, हमने इतनी हॉकी खेली सीखी, तो अगर वो नहीं करता तो पिक्चर कैसे बनती. ऑफ कोर्स, बट फिर भी हॉकी गेम है पूरा अपने आप में. तो आपने, जब आप स्क्रीन पर दिखे तो ये नहीं लगना चाहिए कहीं पर भी कि नहीं ये तो नकली है, तो ऐसे नहीं खेलते, तो वो चीज का भी तो प्रेशर होता है ना. ये बेसिक्स ही है, ये तो मतलब ये नहीं करूंगा तो मैं फिर म्यूजिक में या तो गाना गाता हूँ. म्यूजिक बनाना नहीं आता मुझे तो बहुत अच्छा गाते हो. हाँ, गा ठीक लेता हूँ अपने जो गा. तो उसके लिए तो जो मेहनत करनी थी, जो बेसिक्स थे फील्ड पे मेहनत और पाजी के साथ जो मेहनत करनी थी वो तो हमने की. अच्छा, जो फिल्म में रिलेशनशिप दिखा है दो भाइयों का, विक्रमजीत और आपका जो कैरेक्टर है संदीप जी का, बहुत प्यारा रिलेशनशिप है. इनफैक्ट ट्रेलर में भी एक ग्लिम्स दिखता है लेकिन समझ आता है कि रिश्ता बहुत खूबसूरत है. आपकी और अंगद की, वो दिखना चाहिए था स्क्रीन पर, कैसे कैसे केमिस्ट्री हुई, कैसे शुरुआत से? बहुत कमाल, फर्स्ट डे से ही. अंगद पाजी इज वेरी 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 नाइस गाय और हमने जब एक साथ काम किया तो वो, मेरा कोई बड़ा भाई है नहीं लेकिन वो ट्रीट मुझे ऐसे ही करते थे अपने बड़े भाई की तरह. तो और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी मुझे लगता है निकल के आएगी जो केमिस्ट्री है. अच्छा, पंजाबी फिल्म्स तो करते आ रहे हैं, वहाँ आपकी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है और अब हिंदी में भी, बॉलीवुड में भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रही है. वर यू आर लिटिल नर्वस कि ये फिल्म है, जब बनती है ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है हर फिल्म के साथ और ये एक बायोपिक है और संदीप सिंह जी कितनी कमाल स्टोरी के ऊपर है, थोड़ा सा नर्वसनेस आती है? नहीं नहीं, नर्वसनेस का बिल्कुल नहीं. नहीं नहीं नहीं, किस चीज़ की कोई नर्वस. दैट्स अमेजिंग. और जब हम फिल्म में काम कर लेते हैं एज एन एक्टर, हर एक्टर को कहते हैं ना कि टेक देते हो और पता होता है एक्टर को कि मैंने अच्छा किया है, तो डू यू थिंक यू बीन एबल टू डू जस्टिस टू संदीप सिंह? ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, ये तो जब लोग फिल्म देखेंगे तभी वो ही बता पाएंगे. अब मैं अपने मुँह से बोलूँ कि मैंने बिल्कुल जस्टिस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं है. एक्चुअल ऑडियंस ही बता सकती है देख के उनको कैसा लगा, मैंने जस्टिस कर भी पाया या नहीं कर पाया, तो वो ऑडियंस बताएगी. अच्छा, आप बड़े शांत किस्म के लगते हैं, आपके जितने इंटरव्यूज देखो, आप हैं वैसे या सेट पर थोड़े प्रैंक्स वगैरह करते थे? कोई भी सेट पर कैसा माहौल रहता था? कहाँ प्रैंक्स, वहाँ खाने को नहीं मिलता. जब आप हॉकी खेलते हो तो आपको एक बॉडी बनानी होती है, एथलीट की बॉडी, तो और जब आपको खाना खाने कम मिलो तो फिर आपका मूड थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है और फिर आप में एनर्जी भी नहीं रहती, तो फिर प्रैंक का तो सवाल ही नहीं उठता. अच्छा, पंजाबी सिनेमा आपने बहुत किया, वहाँ बहुत काम किया है और अब आप यहाँ कर रहे हैं, क्या एक डिफरेंस कुछ लगा लोगों में जिस तरह से काम होता है? सेम ही, बिल्कुल सेम. और आर यू एंजॉयिंग बॉलीवुड नाउ? सेम, मैं जब कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ वो एंजॉय करता हूँ. हाँ, अगर एंजॉय नहीं करता फिर मैं वो काम में करता नहीं.
जिस चीज में मुझे मजा आता है वही करता हूँ। और आपको गाने में मजा आता है? हाँ आता है। तो दो लाइंस अगर आप ज्यादा ना थके हो तो गुनगुना देते। हाँ जी हाँ जी, गाना ही कुछ इतने आने ना दसो। Do you know मैं तेनू किन्ना प्यार करदा, Do you know मैं तेरे उत्ते किन्ना मरदा, Do you know तेरे लिए मैं तो पिंड छड़ता, Do you know तेरे लिए लोकां नाल लड़ता, Do you know। I think ये जिस तरह से ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे लगता है अभी आप ट्विटर देखेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। मैं चार्ज हो गई। अच्छा, ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। हमें भी बहुत उम्मीद है एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत उम्मीद होंगी। चलो जी, थोनू उम्मीद है, मेरे तो चंगी गल है। ये अपनी उम्मीद बनाई रखें और हमने बहुत अच्छा काम किया है। आप फिल्म देखें। थैंक यू सो मच दिलजीत। थैंक यू।